हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं स्टेप 5, जो कि होगा येलो का प्लस बनाना। आप लोग ने सीख चुके हो दो लेयर कैसे बनाना है, पूरा कंप्लीट दो लेयर। अगर नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आप इन सब चीजों में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं ओवरहेड व्यू पे, वहां पे मैं बताता हूँ कि आपको येलो का प्लस कैसे बनाना है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एकदम पहले स्टेप टू में मैंने सिखाया था व्हाइट का प्लस कैसे बनाना है, बट अभी हम लोग ने पूरा बेस बना लिया है, सेकंड फ्लोर भी बना लिया है। अब थर्ड फ्लोर की बारी, मतलब थर्ड लेयर की, जिसमें कि हम लोग को पहले ऊपर का फ्लोर बनाना पड़ेगा और सारे येलो पीसेस को ऊपर ले जाना पड़ेगा। और गाइस, एक बात और बताना चाहूंगा, येलो प्लस बनाना बहुत ही इजी। इसमें भी आपको पिछली बार की तरह दो ही एल्गोरिदम लगेंगे और वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एग्जीक्यूट करना है और कैसे इम्प्लीमेंट करना है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा स्टेप 5, जो कि होगा प्लस बनाना येलो का। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने व्हाइट का प्लस बनाया था सबसे पहले, वैसे इसमें भी इसका बेस बनाना है। मतलब ये रूफ है और ये बॉटम है। मोस्टली दो ही देखने मिलता है, जो कि होते हैं दो पोजीशन। एक होता है उल्टा एल, एल उल्टा इस तरीके से, और एक होता है माइनस, जो कि आप अभी देख रहे हो। ठीक है, हम दो साइन के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि ये इमेजिन करो, ये क्यूब का टॉप है। ठीक है, ये क्यूब का टॉप है। ठीक है, तो क्यूब के टॉप में आपको जो येलो पीसेस हैं, ये सारे रैंडम पीसेस हैं। ठीक है, कुछ भी रहने दो, कॉर्नर कुछ भी रहने दो, ये सारे यहाँ पे। अगर आपको सिर्फ येलो ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे येलो है, ये येलो है, ये येलो है, अगर ऐसे पैटर्न में दिखता है तो आपको ये एल्गोरिदम लगाना है, तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, हमें ये रिजल्ट तक जाना है, प्लस बनाना है। ठीक है, वैसे ही सेम माइनस, इसको माइनस बोलेंगे, ये उल्टा एल आपको याद रखने में इजी होगा, ये माइनस। ठीक है, माइनस होगा तो ये एल्गोरिथम लगाएंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, प्लस का। अभी देखो, ये कॉर्नर पीस को निगलेक्ट करो गाइस, कॉर्नर पीस को इग्नोर करो, आपको सिर्फ एजेस पीसेस पे ध्यान देना है। कि आप देख सकते हो येलो ऊपर है, सेंटर में येलो है, सेंटर में तो येलो रहेगा ही ऑब्वियसली, और साइड में येलो है। तो आपको इस पोजीशन में होल्ड करना है क्यूब को और ये एल्गोरिथम लगाना है। ठीक है, व्हाइट तो नीचे रहेगा ही, आप ऐसा ऐसा नहीं पकड़ सकते, आपको ऐसे ही पकड़ना है जिसमें कि वो उल्टा एल बने। अब एल्गोरिथम क्या है, एफ यू आर यू आई आर आई एफ आई। ठीक है, ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा बड़े बड़े अक्षरों में, जिससे कि आप इजिली स्क्रीनशॉट ले लें या फिर याद कर पाए। एफ, ठीक है, ये हुआ यू आर यू आई आर आई एफ एफ आई सॉरी एफ आई ओके। तो ये हो गया हमारा प्लस, तो ये प्लस बन गया हमारा। अब बढ़ते हैं सेकंड। अगर आपको इस तरीके से अगर पोजीशन मिलता है तो आपको ये एल्गोरिथम डालना है। ऊपर वाले में यू पहले आता था, ठीक है, यू आता था फिर आर आता था, बट इस वाले में आर पहले आता है, यू बाद में आता है। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सबको रिवर्स करते रहना है। ये देखो एफ, उसमें भी एफ है, इसमें आर है इस बार, तो इसमें आर करना है, फिर करना है यू, फिर करना है आर आई, ठीक है, फिर करना है यू आई, ठीक है, यू आई किया, अब उसके बाद करना है एफ आई। तो आपको ये सिर्फ दो ही पोजीशन मिलेगा। तीसरा एक पोजीशन है जिसमें मैं आपको एक उसको बना के दिखाता हूँ। कभी कभार क्या होता है कि कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सेंटर पीस मिलेगा। सो ऑल राइट गाइस, मैंने ये पोजीशन सेट कर लिया है। जैसे कि अब आप देख सकते हो, जब भी आप इन दोनों में से कोई भी ढूंढने की कोशिश करोगे, जैसे कि ये मैंने बोला था उल्टा एल होना चाहिए या फिर होना चाहिए माइनस, ठीक है, या तो उल्टा एल या तो होना चाहिए माइनस, बट इस पोजीशन में जैसा कि आप देख सकते हो, सॉल्व करने के बाद दो लेयर के बाद आपको ये दोनों पोजीशन मिलेगा ही नहीं। कभी कभार होगा, मोस्टली आपको मिल जाएगा, इन दोनों में से कोई ना कोई एक मिल जाएगा। बट अगर ऐसा सिचुएशन आता है जहां पर कोई भी एज पीस येलो का ऊपर नहीं है, तो आप चाहे ये एल्गोरिदम लगा दो, चाहे ये एल्गोरिदम, कोई भी एक एल्गोरिदम इस पर अप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये एल्गोरिदम इस पर अप्लाई कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली देखना मुझे उल्टा एल मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे उल्टा एल मिल गया, अब मैं ये एल्गोरिदम लगा के आगे प्रोसीड कर सकता हूँ। ये पोजीशन था, तो आप अगर ये एल्गोरिदम भी लगा दोगे तो भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, या तो उल्टा एल मिल जाएगा या तो माइनस मिल जाएगा। लेट मी शो यू,
तो ये वाला, इस बार मैंने ये वाला एल्गोरिथम लगाया तो मुझे माइनस मिल गया। ठीक है, अब माइनस मिल गया तो माइनस का लगा के मैं आगे प्रोसीड कर सकता हूँ। सी माइनस का मेरे को मिल गया क्वेश्चन और ये एल्गोरिथम मैंने लगा के इसको सॉल्व कर लिया है बहुत ही इजीली। आपको प्रैक्टिस करना होता है तो बार बार मिक्स किया करो, बार बार इतना सॉल्व करके इस चीज को मास्टर कर लो। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने के बाद आपने ये कर लिया, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कि कॉर्नर्स को कैसे बनाया जाए, जो कि बहुत ही सिंपल है और उसमें सिर्फ एक एल्गोरिथम लगेगा, कुछ इसी तरीके का एल्गोरिथम है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो एक दो बार रिपीट करके देखो और हिम्मत मत हारो, प्रैक्टिस करते रहो और ये करने के बाद आप नेक्स्ट वीडियो, ये सीखने के बाद आप नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हो, जो कि सब आई बटन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेकआउट कर सकते हो। और गाइस कोई भी डिफिकल्टीज हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं कि आपकी क्या क्वेरीज है, या तो फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम पर अवेलेबल रहता हूँ रिप्लाई देने के लिए ज़्यादा करके। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को और लाइक एम रखते हैं इस वीडियो का अराउंड 500। ठीक है, 500 लाइक एम रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।